हेलो फ्रेंड्स, हम ब्रह्मांड की उस ऊर्जा से घिरे हैं जिसके सहारे कि हम जो चाहें वो अपनी लाइफ में खुद ही क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, प्रार्थना या प्रेयर वो एंशियंट टेक्निक है जो कि सारे रिलीजन में यूज़ की जाती है, और इसके सहारे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज़ करके ब्रह्मांड की उस दिव्य ऊर्जा को अपनी विशेज, अपनी डिज़ायर ट्रांसफ़र कर सकते हैं और अपनी लाइफ को जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों, 99% प्रेयर की जो मॉडलिटी है वो सक्सेसफुल नहीं होती, यानी कि हमें वो रिज़ल्ट नहीं मिलता। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि हमारी प्रार्थना में या प्रेयर में कहाँ फॉल्ट है, और इसके अलावा मैं आपको वो भी टेक्निक बताऊंगा जिसके सहारे कि आप प्रेयर या प्रार्थना के सहारे आप अपने सबकॉन्शियस का यूज़ करके फिर से अपने विशेष को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं आपको साइंटिफिक एविडेंस और एंशियंट स्पिरिचुअल नॉलेज भी देने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आप मेरे साथ लाइव मेडिटेशन करना चाहते हैं और अपने सवाल मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे मेरे साथ ज़रूर जुड़ें, उसकी आईडी डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दी है। सबसे पहले ये समझते हैं कि कुछ प्रेयर्स कैसे काम करती हैं और उसका कंसेप्ट क्या है। पहला प्रेयर का मॉडलिटी ये है जो कि हम स्कूल में करते थे कि भगवान हमें शक्ति देना, हमें बुद्धि देना, हमें पैसा देना, हमें धन देना वगैरह वगैरह। इसके अलावा प्रेयर की एक दूसरी मॉडलिटी है जो कि अलग अलग रिलीजन में अलग अलग नामों से जानी जाती है। उदाहरण के लिए क्रिश्चियनिटी में हम डायरेक्टली गॉस्पल्स पढ़ते हैं, हिंदुइज़्म में मंत्र पढ़ा जाता है, इस्लाम की प्रैक्टिस में वही आयतें हैं, और सिखिज़्म में भी ऐसा ही कुछ है। लेकिन दोस्तों, आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि जब भी हम इस तरह की प्रेयर करते हैं हम कामयाब क्यों नहीं होते हैं, इसका साइंटिफिक रीज़न समझने की कोशिश करिए। जब भी हम भगवान से कुछ मांगते हैं या गॉड से या हायर पावर खुदा वाहेगुरु से कुछ भी डिमांड करते हैं, उस कंडीशन में हम ये मानते हैं कि ये चीज़ हमारे पास नहीं है। उदाहरण के लिए, अगर हम अपनी बीमारी को ठीक करना चाहते हैं, इसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो हम ये समझते हैं कि हम बीमार हैं। और आपको ये समझना पड़ेगा कि यूनिवर्स का लैंग्वेज एक ही है, वो लैंग्वेज है फीलिंग, मतलब कि आपकी भावनाएं। जो भी आपकी भावनाएं होंगी, जो भी वाइब्रेशन आप अपने अंदर कैरी करते हैं, चाहे वो बीमारी की है, चाहे वो ठीक होने की है, चाहे गरीबी की है या अमीरी की है, वही यूनिवर्स सुनता है और आपको आपके लाइफ में मैनिफेस्ट करता है। अब सवाल ये उठता है कि हम अपनी प्रार्थना को कैसे ऐसा बनाएं जिससे कि यूनिवर्स से हम कनेक्ट करें और यूनिवर्स हमारी बातें सुने और समझे। कहने का अर्थ ये कि वो क्या लैंग्वेज है, अगर फीलिंग वो लैंग्वेज है तो उस लैंग्वेज को हम अपने अंदर कैसे लाएं। इससे पहले मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूँगा। ग्रेग ब्रैडन अपने एक ब्लॉग में और वीडियो में बताते हैं कि जब वो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में थे तो वहाँ उन्होंने देखा कि जो मॉन्क्स हैं उनका जो मैनिफेस्टेशन सेरेमनी है, वो अपने हैंड मूवमेंट्स करते हैं, कुछ रिचुअल्स करते हैं, इंसेंस वगैरह कुछ वो जलाते हैं, और उसके बाद वो साइलेंस में बैठ जाते हैं। जब ब्रैडन ने उनसे पूछा कि आप ये क्या करते हो, कैसे डिमांड करते हो, तो उन्होंने सीधा कहा, मेरी फीलिंग या मेरी भावनाएं यही मेरा प्रेयर है, माय फीलिंग इज माय प्रेयर। और दोस्तों, जब मैं मॉनेस्ट्रीज में गया था और जब मैं सीख रहा था तो मैंने वहां पे देखा कि उनकी प्रैक्टिस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो पार्ट है कि आपकी फीलिंग को कैसे अवेकन किया जाए। लव मेडिटेशन, लव एंड काइंडनेस मेडिटेशन, जिसको कि मेटा मेडिटेशन भी कहते हैं, वही वो बार बार करवाते हैं, क्योंकि आज हम जिस वर्ल्ड में रह रहे हैं वहाँ हमारी भावनाएं बहुत कम हो गई हैं या डेड हो गई हैं। शायद इसी कारण से अगर कोई सड़क पे मर रहा है या बीमार है तो लोग उसका वीडियो बनाना पसंद करते हैं रेदर देन कि उसकी मदद करना। तो कहने का अर्थ ये कि प्रेयर्स कामयाब तब होंगी जब ये फीलिंग क्रिएट करें। और दोस्तों, वर्ड्स का इनफैक्ट जो प्रेयर्स हमारी एंशियंट टेक्निक्स में यूज़ की जाती थी, उसका एक ही उद्देश्य था, वो उद्देश्य ये था कि वो आपके अंदर वैसी भावनाएं उत्पन्न करें, इमोशंस उत्पन्न करें, और ये इमोशंस ऊर्जा बनके आपके ब्रह्मांड में जाएंगी और आपकी विशेस मैनिफेस्ट करेंगी। इसी बात को क्वांटम साइंस कुछ ऐसे कहता है कि जब भी आप कोई थॉट या इंटेंशन देते हो उस समय इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी क्रिएट करते हो, और जब आप उसको फीलिंग देते हो तो आप मैग्नेटिक एनर्जी क्रिएट करते हो, और यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नेचर आपका वाइब्रेशन है, और जैसी आपकी वाइब्रेशन होगी
उसी के हिसाब से ये क्वांटम सूप एनर्जी का ये जो समंदर है जो कि आपको सराउंड करता है, आपको वैसा रिजल्ट ला कर देगा। ये साइंटिफिकली प्रूवन है। तो अब हम समझते हैं कि हम फीलिंग को कैसे ला सकते हैं, एंड सेकेंड थिंग, हम अपने वर्ड्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो पहले आप ये देखिए कि हमारी जो प्रेयर की मॉडलिटी है उसमें हम कुछ डिमांड करते हैं, और डिमांड करने के कारण हम ये अफर्म कर रहे हैं कि हमारे पास वो नहीं है, और वही हमारी वाइब्रेशन बन जाती है। इसी को बाइबल में ऐसे कहा गया है कि आप अपनी प्रेयर्स ऐसे डिमांड करो, ऐसे गॉड से बोलो जैसे कि ऑलरेडी मैनिफेस्ट हो चुकी है। कहने का अर्थ ये कि ऑलरेडी आपके अंदर वो फीलिंग आ चुकी है। और दोस्तों, जब आप इस तरह से अपने इंटेंशन को डालेंगे और प्रे करेंगे, चाहे आप हेल्थ के लिए कर रहे हैं, अपने रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए कर रहे हैं, अपने जॉब को ऊंचा उठाने के लिए कर रहे हैं, या एग्ज़ाम पास करने के लिए कर रहे हैं, वैसी फीलिंग अपने अंदर क्रिएट करिए जैसे कि ऑलरेडी अकॉम्प्लिश हो चुका है। मैं आपको एक टेक्निक देता हूँ जो कि मैंने डिज़ाइन करी है। सबसे पहले आप ये चुनें कि आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए मैं यहाँ पे हेल्थ लूँगा कि मैं अच्छे स्वास्थ्य में हूँ, तो आप ये ना कहें कि मेरी बीमारी ठीक हो रही है, आप ये कहें कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा है, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। नंबर वन, ये पहला पार्ट है। अगर आप चाहें तो मेरे साथ कर सकते हैं। आंखें बंद करें, एक गहरी सांस अंदर लें और धीरे से बाहर, और अब आप अपने मन में इस इंटेंशन को रिपीट करें कि मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं। मेरे गॉड, ये मेरा इंटेंशन है, उद्देश्य है कि मैं स्वस्थ हूं। स्टेप नंबर टू, अगर आप स्वस्थ हैं तो आप ये महसूस करें कि आप कैसा फील करेंगे। उस फीलिंग को आपको इमेजिन करनी है अपने बॉडी में, जस्ट फॉर 5 सेकेंड्स। अगर आप ये इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं तो आप पास्ट में जाएं, पास्ट में देखें कि जब आप स्वस्थ थे तो उस समय आप कैसा महसूस कर रहे थे, और उस फीलिंग को अपने अंदर रखें और थॉट को जाने दें। और तीसरा फेज है इंटेंसिफिकेशन ऑफ फीलिंग, मतलब फीलिंग को बढ़ाना। गॉड को तहे दिल से थैंक यू कहें, गॉड तुमने मुझे स्वस्थ किया, गॉड तुमने मुझे वो शक्ति दी है, इसके लिए मैं तहे दिल से तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। डियर गॉड, तुमने मुझे स्वस्थ बनाया है, इसके लिए मैं तहे दिल से तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू गॉड फॉर मेकिंग मी हेल्दी। और इस स्टेप को आपको 5 बार रिपीट करना है। इसी तरह से धन के लिए आप प्रेयर कर सकते हैं, रिलेशनशिप के लिए प्रेयर कर सकते हैं, यूनिवर्सल पीस के लिए कर सकते हैं। 2 बातों का स्मरण एक बार फिर से रखना कि हमारी प्रेयर्स इसलिए काम नहीं करती है क्योंकि हम कुछ डिमांड करते हैं और हमारी वाइब्रेशन वैसी हो जाती है कि हम कुछ लैक कर रहे हैं, और दूसरी चीज़ हमारे अंदर फीलिंग का अभाव है। तो हमें अपने अफर्मेशंस या इंटेंशन प्रेजेंट मोमेंट में रखने हैं एज इफ कि ऑलरेडी ये कंप्लीट हो चुका है। और सेकंड स्टेप ये है कि हमें अपने अंदर वो भावनाएं क्रिएट करनी है जो कि हमें एहसास कराती हैं कि ये कंप्लीट हो चुका है। और थर्ड स्टेप ये है कि इसके लिए गॉड को या यूनिवर्स को थैंक यू कहना है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो आप कंजूसी ना करें, अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसमें कोई पैसा नहीं लगता। इसके अलावा आप 5 दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर भेजें। थैंक यू, थैंक यू।